नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ प्रियंका माथुर। गृहस्थ लोगों के जीवन में साल में दो बार नवरात्रि का पर्व आता है। पहला चैत्र के महीने में इस नवरात्रि के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि आश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पौष और अषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, लेकिन उस नवरात्र में तंत्र साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्र ही उत्तम माने जाते हैं। दोनों में ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से मनाई जाएंगे। इस मौके पर आज आपको चैत्र और शारदीय नवरात्र में अंतर के बारे में बताते हैं। चैत्र नवरात्रि मनाने का कारण है, जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया था और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए थे, क्योंकि महिषासुर का वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट की, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इस 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि मनाने का क्या कारण है। देवी दुर्गा ने आश्विन महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया, इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के लिए समर्पित किया गया। चूंकि आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ होता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। कुछ ऐसे कारण भी है जिसलिए चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में अंतर होता है। जैसे चैत्र नवरात्रि के दौरान कठिन साधना और कठिन व्रत का महत्व है, जबकि शारदीय नवरात्रि के दौरान सात्विक साधना, नृत्य, उत्सव आदि का आयोजन किया जाता है। ये दिन शक्ति स्वरूप माता की आराधना के लिए मनाए जाते हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है, जबकि शारदीय नवरात्रि का महत्व गुजरात और पश्चिम बंगाल में ज्यादा होता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान बंगाल में शक्ति की आराधना स्वरूप दुर्गा माँ की पूजा की जाती है, वहीं गुजरात में गरबा आदि का आयोजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि के अंत में राम नवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म राम नवमी के दिन हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी के रूप में मनाया जाता है। इसके अगले दिन विजयदशमी पर्व होता है। विजयदशमी के दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, इसलिए शारदीय नवरात्रि विशुद्ध रूप से शक्ति की आराधना का दिन होता है। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि की साधना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है। वहीं शारदीय नवरात्रि सांस्कारिक इच्छाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़े रहे। नमस्कार।